दोस्तों नमस्कार, मैं आपका अपना नगेंद्र जो है दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नगेंद्र अमूल्य। दोस्तों मैं आग्रह करना चाहूंगी कि भाई ने अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेके आऊंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि शरीर में कोई ऐसा पॉइंट है जो वेंटिलेशन का काम करे या वेंटिलेटर का काम करे। दोस्तों आप भी कहेंगे यार वेंटिलेटर का, यहां तो वेंटिलेटर के लिए बहुत पैसा लग रहा है। आजकल कोरोना जैसी बीमारी चल रही है जिसमें व्यक्ति को सांस नहीं आती तो उसको वेंटिलेशन पे रखा जाता है ताकि उसको प्रॉपर सांस मिले। दोस्तों कहते हैं ना सांस हमारी बहुत अहम है, बट आजकल क्या होता है कि हम सांस पे ध्यान ही नहीं देते, फालतू की बातों पे ध्यान लगाते हैं, बट सांस पे हमारा ध्यान है ही नहीं, फोकस ही नहीं कि हमारी बॉडी के अंदर जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है ऑक्सीजन, बस लिए जा रहे हैं। दोस्तों पहले के व्यक्ति जो थे पहले के जमाने में लंबी सांस लेते थे तो वो लंबे जीते थे, आजकल सांस छोटी हो गई है तो उम्र भी घट गई है। जी हाँ दोस्तों ये बात हकीकत है, जब आप सांस लेंगे तो लंबी लीजिएगा ताकि ऑक्सीजन अच्छी प्रॉपर अंदर जाए और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकले, बट हम यहीं तक लेते हैं तो आगे बीमारी कहां से जाएगी और डॉक्टर्स का खर्चा बहुत चल रहा है और लोग दे रहे हैं क्योंकि आदमी अपने व्यक्ति को तड़पता हुआ नहीं देख सकता, लेकिन उसको ये नहीं पता कि शरीर में ऊपर वाला सबसे बड़ा बलवान है, उसने एक ऐसा पॉइंट दिया जो वेंटिलेशन का काम करता है। जी हाँ दोस्तों कभी आप ऐसी जगह बैठे हो जहां आपको सांस लेने में बड़ी तकलीफ आ रही हो, हर तरीके से कोने से बंद है कमरा या वहां घुटन सी है और आपको सफोकेशन हो रही है कि यार सांस कैसे लें, सांस लेने में बड़ी दिक्कत हो रही है। तो दोस्तों आज पॉइंट मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, प्लीज 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 वीडियो को शेयर जरूर करिएगा क्योंकि ये पॉइंट सब जगह फैल जाना चाहिए। और आप अगर सोचे ये मजाक है तो दोस्तों मजाक नहीं है, पहले आप खुद आजमाएं फिर आपको लगे जब इसको शेयर करिएगा वीडियो। दोस्तों बहुत बेहतर पॉइंट है, बहुत चमत्कारी पॉइंट है जो आपको आपके शरीर के अंदर आपकी ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा को पहुंचा देगा और आपका ब्लड बहुत अच्छी तरीके से पूरी बॉडी के अंदर फ्लो करेगा। और दोस्तों कहते हैं ना कि जब हमारे शरीर के अंदर ब्लड अच्छी तरह पूरे ऑर्गन तक जाता है तो हम बीमार नहीं पड़ सकते। दोस्तों वो पॉइंट्स हमारे हाथों में, देखिए एक पॉइंट है सिंगल ये वाला, जहां ये अंगूठा जहां आपका इस तरीके से टच कर जाए वही दोस्तों ये वेंटिलेशन का पॉइंट या वेंटिलेटर है, ये हमारे शरीर का वेंटिलेटर है, दोनों हाथों में है। कभी भी आपको लगे कि यार सांस लेने की तकलीफ हो रही है या आप चाहते हैं कि लंबी सांस अंदर जाए, ऑक्सीजन प्रॉपर जाए, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकले, तो इस पॉइंट को दबा लीजिएगा और लंबी सांस लीजिएगा। दोस्तों जितनी आप लंबी सांस लेंगे आपकी वाकई में आयु बढ़ेगी, ये परमानेंट है, आयुर्वेद कहता है और सब इस चीज को मानते हैं। सांस हमारे पेट तक जाए तो समझ लीजिए हमने सांस ली है, अदरवाइज सांस का कोई मतलब नहीं। इस तरीके से आप करिए फिर देखिएगा कि आपको अगर सांस की दिक्कत है वो खत्म होगी, कहीं आप फंस गए जहां वेंटिलेशन नहीं वहां एमरजेंसी काम करेगा, आप मेडिटेशन करते हैं तो इस पॉइंट को दबा के करिएगा, पूरे शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन ऐसा दौड़ेगा कि आपको हर बीमारी दूर हो जाएगी। और बाबा रामदेव ने दोस्तों अभी ये कहा था कि जो व्यक्ति, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, जो व्यक्ति एक मिनट तक सांस रोक लेता है उसको कोरोना की बीमारी नहीं हो सकती। वाक्य में ये सत्य है, लेकिन नॉर्मल आदमी एक मिनट तक सांस नहीं लेता, लेकिन इस पॉइंट के द्वारा आप ले सकते हैं।
दोस्तों मेरा रिकॉर्ड है 2.25 मिनट, लेकिन आप एकदम से मत करिएगा, धीरे 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 इसकी प्रैक्टिस करिए। मैं आपको दिखाता हूं, टाइम स्टार्ट हो रहा है नाउ। देखा ना दोस्तों आपने, अभी तो मैंने 1 मिनट तक किया, थोड़ा सा आप रियाज करेंगे तो आप देखेंगे कि ये टाइम बढ़ जाएगा। लेकिन इसको कभी भी प्लीज अकेले ना करिए और धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करिए। जब आप देखेंगे कि आपके शरीर के अंदर आप खुद बदलाव देखेंगे। जब भी आप मेडिटेशन करें इस पॉइंट का जरूर इस्तेमाल करें। दोस्तों ये शरीर हमारा बहुत कीमती है और बहुत ध्यान रखता है हमारे शरीर हमारे लिए, तो प्लीज शरीर को खराब ना करें। मेरे कहने पर कम से कम रोज के 10 मिनट निकालें, बस इससे लंबी लीजिए लंबी छोड़िए, लंबी सांस लीजिए लंबी सांस छोड़िए। जैसे जैसे आप करेंगे आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा और आपको एक अलग अनुभव महसूस होगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस करिएगा दोस्तों, मेरे को प्रैक्टिस है तो मैंने 1 मिनट कर लिया, लेकिन आप प्लीज ये चीज ना करिएगा, धीरे धीरे टाइम बढ़ाइए। वेंटिलेशन का पॉइंट बहुत जबरदस्त है, अपने तक प्लीज ना रखें। मैं बार बार कह रहा हूँ शेयर 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 जरूर करें, ताकि पूरे हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में इस पॉइंट का इस्तेमाल हो और कोई भी व्यक्ति बीमार ना पड़े। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलूंगा आपसे किसी एक नए वीडियो में किसी एक नए टॉपिक। नमस्कार।